थैंक गॉड यार, आज सिंचन और चोप को स्कूल से छुट्टी है, वरना रोज की तरह आज फिर से उन्हें स्कूल छोड़ने जाना पड़ता। चलो यार गाइस, आज मेरा दिन फ्री है और थोड़ा सा चिल वगैरह करेंगे। वैसे ये सिंचन और चोप नजर नहीं आ रहे मुझे सुबह से। मुझे सिंचन और चोप की आवाज इसी साइड से सुनाई दे रही है, मुझे जाकर तो देखना पड़ेगा। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? सिंचन ने तो पूरी पार्टी बुला कर रखी है, जरूर कोई ना कोई ये सारे मिलकर ना कोई खिचड़ी मचा रहे होंगे। सबसे पहले तो गाइस मुझे सुनना पड़ेगा ये लोग कर क्या रहे हैं। चोप राजू और जग्गू, तुम लोग को पता है आज मैं तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। वो सरप्राइज मैं सिर्फ तुम तीनों को ही बताऊंगा और तुम तीनों को भी ये प्रॉमिस करना होगा कि ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे। तुम लोगों को पता है क्या, मैंने घोस्ट राइडर का सूट खरीदा है, वो भी $1 का। अल्ले तो इसमें कौन सी भली बात है सिंचन, तूने $1 का सूट खरीद लिया घोस्ट राइडर का तो। ये क्या सिंचन, तूने सिर्फ सूट को दिखाने के लिए हमें बुलाया है? मैं तो समझ रहा था कोई अच्छी पार्टी वगैरह देगा सिंचन आज हमें। मुझे पता है सिंचन ने वो सूट क्यों बाय किया है, क्योंकि पिछली दफा भी सुपरमैन का सूट बाय किया था तो वो फ्रैंकलिन भैया ने ले लिया था इससे, इसलिए सिंचन ने वो सूट छुपा कर रखा है। सही बोल रहा हूँ ना सिंचन मैं? और फिर सिंचन उस सूट से ना घोस्ट राइडर के सारे सूट बाय करेगा, जैसे फ्रैंकलिन भैया के पास बहुत सारे सुपर हीरो के सूट का कलेक्शन है। अरे वाह, मेरी बात तो चुप को आसानी से समझ आ गई। राजू और जग्गू, तुम दोनों को तो जरा भी समझ नहीं आई मेरी बात। ये बात तो जरा भी नहीं पता चलनी चाहिए फ्रैंकलिन भैया को, ये हम चारों के बीच में सीक्रेट रहेगा हमेशा के लिए। ओके, घोस्ट राइडर का वो सूट मैंने इसी कमरे की लास्ट साइड पर छुपा कर रखा है। अच्छा, तो ये सब कुछ हो रहा है? मुझे पता था ये सारे मिलकर ना कोई खिचड़ी जरूर पका रहे होंगे। गाइस मुझे लगता है इसी किसी साइड पर छुपा कर रखा होगा वो सूट, क्योंकि लास्ट कमरे की साइड यही है, तो हमें जाकर देखना पड़ेगा। सामने तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। ओके, मुझे मिल गया, ये रहा घोस्ट राइडर का सूट, तो सिंचन ने इस जगह पर छुपा कर रखा है। अच्छा, उसने समझा होगा कि ये सूट मुझे मिलेगा नहीं। वाकई में ये सूट तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, लेकिन गाइस ये तो घोस्ट राइडर का $1 का सूट है और हमें इसे पहन लेना चाहिए, क्योंकि इसे पहनने के बाद ही हम घोस्ट राइडर के बाकी सूट को बाय कर सकते हैं। तो मुझे जल्दी करना होगा, ये ना हो सिंचन मुझे देख ले इससे पहले मैं सूट को पहन कर निकल जाता हूँ इधर से। तो गाइस फिर देरी किस बात की, जल्दी से सूट को पहन लेते हैं। 1 2 3 एंड गो। ओके, ये सूट तो हमने पहन लिया है, अब बाकी सूट को हम लोग ऑनलाइन ही परचेज कर लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है बाकी सुपर हीरो की तरह घोस्ट राइडर के सूट भी ऑनलाइन स्टोर पर बिक रहे होंगे, तो मैं घोस्ट राइडर के इस ऑनलाइन स्टोर से वो सूट बाय कर लूंगा। तो मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पैसे चाहिए होंगे ताकि मैं वो सूट बाय कर सकूं, और पैसों के लिए मुझे तो हाथ पांव हिलाने ही पड़ेंगे ना। तो गाइस जल्दी से चले जाते हैं, थैंक गॉड सिंचन और चोप ने मुझे नहीं देखा। और गाइस इस काम के लिए मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अपनी गाड़ी और बाइक लेकर मैं नहीं जा सकता। चलो गाइस भाग कर निकलते हैं सिटी की तरफ, हो सकता है कोई ना कोई जुगाड़ लग जाए, भागना पड़ेगा। फिलहाल तो इस सूट के अंदर कोई पावर्स नहीं है। गाइस $1 में तो ऐसा ही सूट मिलेगा जिसमें ना कोई पावर्स होंगी और ना ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। गाइस अभी तो मुझे ऑनलाइन स्टोर ओपन करके ही पता चलेगा कि घोस्ट राइडर के सूट कितने के हैं। एक मिनट, इस साइड पर मिलिट्री वालों की गाड़ी और मिलिट्री वाले क्यों खड़े हैं? गाइस सब ने अपनी गन इस साइड पर तान के रखी है, मुझे देखना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा इन लोगों से चल क्या रहा है। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा ना लफड़ा होने वाला है। ये रहा, ये तो मिलिट्री कर्नल है, मुझे इसी से पूछना पड़ेगा ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर इतनी ज्यादा मिलिट्री फोर्स खड़ी है। मिलिट्री बेस के इस सीक्रेट लैब के अंदर डोसी के केमिकल चुराने के लिए आया है, अगर वो केमिकल उसने चुरा लिया तो इस पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। उस डोसी को रोकने के लिए हमारी मिलिट्री फोर्स इस सिटी के चारों तरफ खड़ी है, हम उसे कहीं से भी भागने नहीं देंगे। डोसी को मारने का इनाम पूरे $1,00,000 था, लेकिन अभी तक इसे कोई पकड़ नहीं पाया था और ना ही मार पाया था। आज ये मिलिट्री के हाथ लग गया, आज मिलिट्री के हाथों से ये नहीं बच पाएगा। ओके, तो ये बात है, लेकिन अभी तक तो वो बाहर आया नहीं। गाइस कहीं पर ये सोल्जर इस साइड पर खड़े उसे देखते ही ना रह जाए और वो बैक साइड से निकल जाए, क्योंकि गाइस मैं इस तरफ आया हुआ और मुझे पता है इधर से अंदर जाने का रास्ता। ये रास्ता बेसमेंट से होते हुए इस तरफ ही आता है और मुझे अंदर जाकर देखना पड़ेगा और उस डोसिक को मार कर बाहर लाना पड़ेगा। और गाइस हो सकता है जो उसके सर पर $1,00,000 का इनाम रखा गया वो मुझे मिल जाए। इस सीक्रेट रास्ते से तो मैं अंदर आ चुका हूँ और मुझे बड़े ही ध्यान से जाना पड़ेगा। चलो गाइस, पहला टारगेट तो मुझे मिल चुका है और इसके हाथ में वेपन है, ये किया अटैक और इसे मेरे मार डाला। जल्दी से इसके पास से वेपन उठाना पड़ेगा। गाइस अंदर मुझे जाना पड़ेगा बड़े ही ध्यान से, क्योंकि डोसी की गैंग हो सकती है। एक तो मेरे सामने रहा, इससे मेरे मार डाला। गाइस मुझे लग रहा है अंदर और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ओके गाइस, डोसी आया और वो भी मारा गया। फिलहाल इन लोगों को पता नहीं चल रहा कि इन लोगों पर शूट कहां से हो रहा है। गाइस सारे के सारे मारे गए, अब मुझे जाना पड़ेगा, ये पड़ा हुआ है, और जल्दी से उसे उठाकर बाहर ले जाते
जाता हूँ। अरे यार इतना सा तो काम था गाइस, वो भी इन सोल्जर से हो नहीं पाया। अरे क्या ये देश को संभालेंगे सोल्जर, मुझे खुद ही लेकर जाना पड़ेगा इसे। गाइस सामने से एक रास्ता है जो बाहर की तरफ जाता है, अगर इस साइड से मैं आ जाता तो ये लोग मुझे मार डालते। अब इसे मैंने कर्नल के सामने रख दिया है, अब ये इस दुनिया को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मिलिट्री कर्नल यही था ना डोसिक जो आपके सामने पड़ा हुआ है, वैसे इसे घोस्ट राइडर ने अपनी जान पर खेल कर लाया है। घोस्ट राइडर तुमने वो कर दिखाया जो हमारी मिलिट्री फोर्स ना कर पाई, हम इसलिए अंदर नहीं जा रहे थे कहीं पर उन सारे केमिकल को ये तबाही ना कर दे और फिर उन केमिकल्स को बनाने के लिए हमें कई साल लग जाएंगे। अब तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा, ये लो $1,00,000 जो तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। ओके गाइस हम लोगों के पास $1,00,000 आ चुके हैं। अरे गाइस अब कैसे शुक्रिया अदा करें इस मिलिट्री कर्नल का, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। मिलिट्री कर्नल को डोसिक मिल गया और मुझे मेरे पैसे। अब ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ पर हम लोग नेक्स्ट सूट बाय कर सके घोस्ट राइडर का। तो सामने मुझे सेव एंड सिक्योर जगह नजर आ रही है तो वहीं पर चले जाते हैं। इस साइड पर मुझे लगता है कोई भी नहीं देख पाएगा। ओके गाइस ये जगह मुझे काफी ज्यादा सेफ नजर आ रही है, तो फिर देरी किस बात की। गाइस आप लोग रेडी हो? जल्दी से मैंने घोस्ट राइडर का ऑनलाइन सूट स्टोर ओपन किया। ये रहा घोस्ट राइडर का $1,00,000 का सूट, ये किया क्लिक एंड बाय। गाइस हमारे पास आ चुका है ये सूट, अब मैं लग रहा हूँ ना कहीं पर रियल घोस्ट राइडर, क्योंकि गाइस हमारे हाथ में और गाइस खोपड़ी पर आग जल रही है। गाइस मुझे चल कर देखना पड़ेगा, अब तो लोग मुझसे वाकई में डरेंगे। गाइस इस $1,00,000 के सूट में कोई ना कोई खास पावर्स तो होंगी, तो मुझे जाकर चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सी पावर्स है। सामने कुछ बंदे आ रहे हैं, ये मुझसे भाग क्यों रहे हैं? अरे बात तो सुनो, एक्सक्यूज मी, अरे बात तो सुनो। ओके इन लोगों के पास से गुजरते ये लोग तो जलना शुरू हो गए। गाइस आप लोग समझ सकते हो कि मेरी आग कितनी ज्यादा खतरनाक है, तभी तो कहूँ ये लोग मुझसे भाग क्यों रहे हैं। अरे बात तो सुनो, अरे अरे रुको तो सही। गाइस ये लोग ऐसे सुनने नहीं वाले, और मैं भी इनके पीछे भाग भाग करना इन्हें थका कर ही रहूंगा, या फिर इन्हें अपनी आग से जला डालूंगा। ओके ये दो भी जल चुके हैं, और इन लोगों को जलाने के भी मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आ चुके हैं। सो गाइस इतने पैसों से तो काम नहीं बनने वाला, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। ये मेरे बॉस की गोल्ड की गाड़ी है, अगर इसे कोई खराश लग गई तो बॉस मुझे छोड़ेगा नहीं, इसे मुझे ध्यान से साफ करना पड़ेगा। मुझे इस साइड से कोई आवाज सुनाई दे रही है, जैसे गोल्ड की गाड़ी। मुझे जाकर देखना पड़ेगा क्योंकि गोल्ड की गाड़ी हो सकता है यहाँ पर हो, और मेरे माइंड में ना एक प्लान आ रहा है। क्यों ना हम लोग उस गाड़ी को चुराने के बाद उसे बेच डालें, और गोल्ड की गाड़ी को बेचने के कितने ढेर सारे पैसे मिल सकते हैं। ओके गाइस ये गाड़ी तो मेरे सामने ही है, और इसका बॉस तो आमने सामने दूर तक नहीं है। एक मिनट मुझे ऊपर नजर आ रहा है कुछ, लगता है इसका बॉस ऊपर ही है और ये नीचे उसका चेला जो गाड़ी साफ कर रहा है। गाइस जब तक इसका बॉस नीचे आएगा हम लोग इसकी गाड़ी लेकर निकल जाएंगे, और सबसे पहले तो मुझे इसके चेले को आग से जलाना पड़ेगा। तो बेटा फिर रेडी हो जा, गाइस हम जाने वाले हैं। ओके गाइस ये तो टच होते ही जलना शुरू हो गया, और यही मौका है, बॉस इसका ऊपर से देख रहा है। अरे तेरी गाड़ी गई, और जल्दी से बैठ कर निकलते हैं। गाइस मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा, अब इसे मैं सिमियन की डीलरशिप पर बेचूंगा, और हो सकता है इस गाड़ी के मुझे कोई $10,00,000 दे ही दे वो। गाइस बड़े ध्यान से जाना पड़ेगा, अब जिसकी ये गाड़ी है उसे अपनी गाड़ी तो दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। ये तो घोस्ट राइडर था, इसने क्या समझा ये मेरी गोल्ड की गाड़ी ले जाएगा तो मैं आसानी से की जान छोड़ दूंगा। मुझे जल्दी से मुफिस्टो को कॉल करनी पड़ेगी। हाँ मुफिस्टो, मेरी गाड़ी को घोस्ट राइडर लेकर चला गया है, और मुझे यही लग रहा है उस गाड़ी को बेच डालेगा, उस गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है। मैं तुम्हें घोस्ट राइडर की लोकेशन भेजता हूँ, जल्दी से वहाँ पर पहुँचो और घोस्ट राइडर को छोड़ना मत, उसे जान से मार डालना, अभी मजा आएगा। घोस्ट राइडर मुफिस्टो का मुकाबला नहीं कर पाएगा। चलो गाइस अपना तो काम बन गया, और गाइस मुझे टेंशन ये लगी हुई है कहीं पर साइमन अपनी शॉप पर मौजूद ही ना हो, अब मुझे जाना पड़ेगा। ये मुड़े गाइस, थैंक गॉड साइमन मेरे सामने ही है, और गाइस इधर भी यही हो रहा है, लोग मुझे देखकर ही भाग रहे हैं, लेकिन साइमन और इसके गार्ड तो यहीं पर खड़े हैं। ओके गाइस मुझे लगता है इन्हें बताना पड़ेगा, मैं अपनी ये गोल्ड की गाड़ी सेल करना चाहता हूँ, और है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव, फायर प्रूफ, बुलेट प्रूफ सब कुछ है इसमें, और ऊपर से ये वाटर प्रूफ भी और फ्लाई प्रूफ भी। अगर इस गाड़ी की मुझे अच्छी अमाउंट मिल जाती है तभी मैं इस गाड़ी को सेल करूंगा। ये गाड़ी तो मेरे शोरूम से गई हुई है, लेकिन ये गाड़ी तो किसी और ने बाय की थी, कहीं पर ये तुमने चोरी करके तो नहीं लाई? ये गाड़ी तुम्हारी है या फिर तुमने चोरी करके लाई है? मैं सिर्फ तुम्हें इसके $5,00,000 दे सकता हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम इसे इतनी अमाउंट में बेचना चाहते हो तो इसे मैं बाय करने के लिए तैयार हूँ। गाइस मुझे लगता है इस गाड़ी को $5,00,000 का बेच ही देना चाहिए, कहीं पर ये ना हो कि ये $5,00,000 भी हाथ से निकल जाए। ओके ठीक है
है, ये गाड़ी मैंने 5 लाख डॉलर की बेच डाली। गाइस आप मुझे लगता है ना 5 लाख डॉलर का मैं नेक्स्ट सूट बाय कर सकता हूँ। ओके, मेरे अकाउंट में 5 लाख डॉलर भी आ चुके हैं। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे जाना पड़ेगा आप किसी सेफ हैंड्स की और जगह पर। तो ये जगह मुझे काफी ज्यादा सेफ नजर आ रही है क्योंकि इस साइड पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मुझे सेफ जगह मिल चुकी है। जल्दी से गोस्ट राइडर का ऑनलाइन स्टोर ओपन करते हैं। ये रहा 5 लाख डॉलर का सूट, जल्दी से किया क्लिक एंड बाय। ओहो गाइस ये रहा सूट। गाइस इस सूट के अंदर हम लोगों को गोस्ट राइडर की चैन भी मिल चुकी है और आग भी निकल रही है, क्या ही खतरनाक। गाइस आप मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है इस सूट को देखने के बाद कि हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। गाइस बस एक चीज की कमी है, वो है गोस्ट राइडर की बाइक की। मुझे लगता है इस सूट के अंदर गोस्ट राइडर को उसकी बाइक नहीं मिलेगी। हम मुझे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इस सूट के अंदर कौन कौन सी पावर्स हैं। गाइस हम लोग तो फायर बॉल फेंक के हर तरफ तबाही मचा रहे हैं। फिलहाल तो ये रही फायर बॉल जिनसे हम लोग आग लगा सकते हैं। मुझे जाना पड़ेगा इस साइड पर। ओके क्या ही खतरनाक ब्लास्ट किया और इसे मारने के सिर्फ 1000 डॉलर मिले थे और बाकी उस साइड पर जो लोगों को मारा उन्हें मारने के 2000 डॉलर। अगर गाइस हम लोग इस तरह लोगों को मारते रहे तो पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। गाइस अब ये मेरे सामने कौन आ रहा है? गोस्ट राइडर तुमने क्या समझा? तुम वो गाड़ी ले जाओगे और वो फिस्टर तुम्हें छोड़ देगा। तुमने उस गोल्ड की गाड़ी को बेचने के बाद खुद के लिए मौत खरीदी है जिसका पता तुम्हें थोड़ी देर में चलने ही वाला है। नहीं 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 गाइस ये तो पीट रहा है मेरे को। गाइस मफिस्टो मुझे लगता है गोस्ट राइडर का बहुत बड़ा दुश्मन है। गाइस दुश्मन तो मेरा भी ये बन चुका है क्योंकि गाइस हमने जिसकी गाड़ी चुराई है वो यही था। गाइस ये भी हो सकता है जिसकी गाड़ी चुराई है उसने इसको भेजा हो। गाइस जो कुछ भी हो रहा है लेकिन इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। इतनी आसानी से तो गाइस ये मरने वाला नहीं है क्योंकि इसके पास भी काफी खतरनाक पावर्स हैं। गाइस मुझे तो ये समझना ही नहीं दे रहा कभी कहां से पीट रहा कभी कहां से। मैं इस पर फायर बॉल फेंकने की कोशिश करता हूं ताकि ये जल जाए। गाइस बहुत हुआ, इसने तो मेरे को मजाक समझ लिया है। कभी कहां से पकड़ कर फेंक रहा है कभी कहां से पीट रहा है। अब इसकी बारी आ चुकी है, अब ये बचेगा नहीं। गाइस इसे मारने के मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। तो गाइस वैसे भी मुझे पैसों की काफी सख्त जरूरत है और इससे मेरे मार डाला शायद। ये पड़ा हुआ है मेरे सामने। ओके मेरे अकाउंट में पूरे 1 मिलियन डॉलर आ चुके हैं। इस मफिस्टो की तो मैंने मंडी से पकड़ लिया है, अब इसे वहां पर फेंकने वाला हूं ना जहां से ये वापस नहीं आ पाएगा। तो गाइस आप लोग भी रेडी हो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये पकड़ा और ये फेंका मैंने इसे। ओके गाइस अब मुझे जाना पड़ेगा सेफ एंड सिक्योर जगह पर क्योंकि हम लोगों को जो अगला सूट बाय करना है तो भागना पड़ेगा। भागते भागते ये जगह मुझे काफी ज्यादा सेफ नजर आ रही है। तो फिर देरी किस बात की, सोचना किस बात का, जल्दी से ना गोस्ट राइडर का ऑनलाइन सूट स्टोर ओपन करते हैं। ये रहा 1 मिलियन डॉलर का सूट और ये किया क्लिक एंड बाय। गाइस ये आ चुका है हमारे पास सूट 1 मिलियन डॉलर का। गाइस इस सूट में तो मुझे बाइक मिल चुकी है गोस्ट राइडर की। गाइस आप लोगों को इस बाइक के बारे में तो पता ही है, जहाँ से गुजरेगी ना वहाँ पर फायर यानी कि आग लगाती हुई जाएगी और जो भी मेरे साथ टच होने की कोशिश करेगा वो जलकर राख हो जाएगा। तो गाइस इसका तो बाइक का तो मजा ही कुछ हो रहा है। गाइस क्या ही मजा आया मुझे, यही तो मैं चाह रहा था कि गोस्ट राइडर की बाइक मुझे कब मिलेगी। तो फाइनली अब मिल चुकी है, मैं भी रुकने वाला नहीं हूँ। एक मिनट यार, अब ये किसकी कॉल आ रही है? ये क्या यार, मजा भी नहीं लेने दिया बाइक का, ये तो टोनी की कॉल है। अरे हाँ बोल टोनी। फ्रैंकलिन तुम कहाँ पर हो, जल्दी से मेरी बताई हुई लोकेशन पर पहुँचो। लेकिन टोनी हुआ क्या है? वो मैं तुम्हें सब मिलकर बताऊंगा, फोन पर नहीं बता सकता। अरे ऐसे भी अब क्या बात होगी टोनी। ओके टोनी रख, मैं तेरी बताई लोकेशन पर पहुँचता हूँ। गाइस अब मुझे टोनी की लोकेशन पर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा अब टोनी को हो क्या गया है। चलो गाइस बाइक भगाते भगाते तो हम लोग टोनी की बताई हुई लोकेशन पर पहुँच चुके हैं और मुझे देखना पड़ेगा यही कहीं होगा टोनी। ये सामने रहा टोनी, ये तो मुझे कोई कार पार्किंग एरिया साइड नजर आता है। फ्रैंकलिन मुझे पता है तुम्हें पैसों की काफी सख्त जरूरत है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरी मदद करनी होगी। हल्क के ऊपर अबोमिनेशन ने काफी खतरनाक हमला किया है जिससे हल्क की बॉडी डैमेज हो चुकी है। तुम्हें मिलिट्री बेस के अंदर जाकर उस जेट के अंदर मौजूद उस गामा रेडिएशन को वापस लेकर आना होगा ताकि हम उसके जरिए हल्क को ठीक कर सके। अगर हम लोग मिलिट्री की तरफ जाकर वो गामा रेडिएशन लेकर आते हैं तो सारे सुपर हीरो को बैन लगा दिया जाएगा इस सिटी के अंदर। गोस्ट राइडर तुम ही हो जो कर सकते हो, अगर तुम ये कर दिखाते हो तो तुम्हें पूरे 10 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे। ओके टोनी मुझे पैसों की जरूरत है और तुझे मेरी। ओके फिर पैसे तैयार रखना, मैं उस जेट को लेकर आया जिसके अंदर गामा रेडिएशन है। अब तो गाइस हमें जाना ही पड़ेगा इस 10
मिलियन डॉलर के लिए। लेकिन मिलिट्री बेस के अंदर जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, उनका तो चारों तरफ से हमला शुरू हो जाना है। लेकिन अब गाइस, हमने ये सब कुछ थान ही लिया तो हम लोग जाकर रहेंगे। अब जो कुछ मर्जी हो जाए, मुझे उनका अमर रेडिएशन को लेकर आना पड़ेगा। तो गाइस, आर यू विद मी? ओके, तो हम लोग पहुंच चुके हैं मिलिट्री बेस एरिया के अंदर। अब हमें काफी ज्यादा चुकन्ना होने पड़ेगा क्योंकि चारों तरफ से हम पर हमला होना शुरू हो चुका है और मिलिट्री बेस एरिया के अंदर मैंने भी काफी ज्यादा तबाही मचा दी है। मुझे लगता है गाइस, हमें वो जेट ढूंढना ही पड़ेगा जिसके अंदर गामा रेडिएशन है। मैं तो चारों तरफ देख रहा हूँ लेकिन कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रहा। इन लोगों के हमले का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। इन लोगों को जो तबाही दिख रही है उससे ये दूर दूर भाग रहे हैं। गाइस, क्या ही मजा आ गया। एक मिनट, मुझे सामने जेट नजर आ रहा है, कहीं वो तो नहीं है? आई थिंक गाइस वही हो सकता है। तो जल्दी से मुझे बाइक को रोककर उसकी तरफ जाना पड़ेगा। गाइस, हम लोग तो पहुंच चुके हैं, अब जल्दी से इसके अंदर बैठना पड़ेगा। गाइस, अब मुझे जल्दी से इसे भगाना पड़ेगा और हवा में फ्लाई करना पड़ेगा। ओके गाइस, मैं तो हवा के अंदर फ्लाई कर रहा हूँ इस जेट के जरिए। लेकिन गाइस, इसका कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अरे ये क्या, अब तो चारों तरफ से मेरे पीछे ना हेलीकॉप्टर लग चुके हैं और मिलिट्री वालों के चोपर और मिलिट्री के जेट भी। गाइस, अपनी जान बचानी पड़ेगी। अगर गाइस उन्होंने मुझे इसके अंदर तबाह कर दिया तो समझो गोस्ट राइडर खत्म। लेकिन इतनी आसानी से भी मैं हार मानने वाला में से नहीं हूँ। मुझे जल्दी से, ये क्या, टोनी ने मुझे लोकेशन भेजी है। जल्दी से मुझे टोनी के बताई हुई लोकेशन पर ये जेट को लैंड करवाना पड़ेगा। उसके बाद गाइस, मुझे मेरे 10 मिलियन डॉलर मिल जाएंगे और फिर टोनी जानवर, ये जेट और मिलिट्री वाले। मुझे लगता है यही सेफ जगह है। गाइस, हमें इसी जगह पर लैंड करवाना पड़ेगा। ओके, कंट्रोल 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 करके लेके जाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा मुश्किल काम है तो इस जेट को उड़ाना। गाइस, हम इस जगह पर तो पहुंच चुके हैं और जेट को मैंने लैंड करवा दिया है और मेरे सामने रहा ये टोनी। बहुत अच्छे गोस्ट राइडर, तुमने ये कर दिखाया है और तुम्हारा इनाम तुम्हें दे दिया जाता है। ये लो 10 मिलियन डॉलर जो मैंने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब मुझे लगता है इससे पहले मिलिट्री वाले यहाँ पर पहुंचे, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा और जल्दी से इस गामा रेडिएशन के जरिए उसको रिकवर करना पड़ेगा। ओके ठीक है टोनी। गाइस, मेरे अकाउंट में पूरे 10 मिलियन डॉलर 1 करोड़ आ चुका है। अब जल्दी से जाना पड़ेगा किसी सेफ जगह पर। उससे पहले मुझे अपनी बाइक को बुलाना पड़ेगा। लो जी गाइस, अपनी बाइक आ चुकी है। गाइस, एक बात मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी कि गोस्ट राइडर की ये बाइक काफी ज्यादा वफादार है। एक ही सीटी बेचारे पर इसके पास आ जाती है। अभी मजा आएगा ना, इन खतरनाक रास्तों से हम जाने की कोशिश करेंगे। और ये किया हमने जंप, क्यों हवा में फ्लाई कर रहे हैं कहीं पर। ओके गाइस, क्या ही खतरनाक लैंड था। चलो गाइस, अभी देखते हैं कि नेक्स्ट सूट कौन सा है। ये जगह तो बीच के पास है तो जल्दी से खोल लेते हैं गोस्ट राइडर का ऑनलाइन स्टोर। ये मैंने खोला ऑनलाइन स्टोर और ये रहा 1 मिलियन डॉलर का सूट। ये किया क्लिक एंड बाय। गाइस, ये तो गोस्ट राइडर हल्क है। ये देखिए, इसके अंदर गाइस गोस्ट राइडर की पावर्स भी है और हल्क की भी पावर्स। याहू गाइस, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सूट मुझे मिल चुका है। अभी गाइस मजा आएगा ना, इसकी मैं पावर्स चेक करूंगा कि हल्क की पावर्स वर्क कर रही है और साथ में गोस्ट राइडर की भी। पहले तो मुझे बाइक पर बैठना पड़ेगा और गाइस देखना पड़ेगा मैं हल्क की तरह फ्लाई कर सकता हूँ इस बाइक के साथ के नहीं। थोड़ी सी बाइक भगाते हैं। ओके गाइस, ये रही हल्क की पावर्स। गाइस भागना पड़ेगा, मैं काफी स्पीड से भाग पा रहा हूँ। रुक 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 रुक, ये तो रुक भी नहीं पा रहा गाइस। नहीं 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 नहीं, कोई भी मेरे सामने आया तो मारा जाएगा। ओके गाइस, क्या ही खतरनाक फ्लाई किया मैंने। एक मिनट गाइस, उस साइड पर तो मुझे कुछ नजर आ रहा है। ऐसे लग रहा है कोई रैंप चैलेंज होने वाला है या फिर स्टंट चैलेंज, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। तो गाइस, हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। ये कौन करवा रहा है चैलेंज और हो क्या रहा है? ये एक स्टंट चैलेंज है, जो भी इस चैलेंज को पूरा करेगा उसे पूरे 100 मिलियन डॉलर का इनाम दिया जाएगा और हारने वाले को सिर्फ चौकर मौत देगा। स्टंट को जो भी 5 मिनट से पहले कंप्लीट करेगा वही होगा विनर। स्टंट चैलेंज को सिर्फ और सिर्फ जोकर ही पार कर सकता है, आज तक कोई और पार नहीं कर पाया। जिसने भी ट्राई करने की कोशिश की है वो मारा गया है। तो गाइस, इस गोस्ट राइडर का मुझे लगता है काफी ज्यादा गुरूर है, तो इसका गुरूर मैं चकनाचूर करूंगा और इस स्टंट चैलेंज को मैं पार करके दिखाऊंगा। गाइस, मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का समय दिया गया है, अब मुझे जाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी से। गाइस, सेफली जा रहे हैं हम लोग। गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नीचे, सब कुछ अभी तक तो सही चल रहा है। आगे तो रास्ते काफी ज्यादा खतरनाक है, बड़े ही ध्यान से जाना पड़ेगा। ओके ओके, बच्चे बच्चे, अरे पीछे पीछे ले। गाइस, अभी इस पर पहुंच चुके हैं, बड़े ही ध्यान से।
गाइस कहीं पर गिरे ना तो हमें ये मार डालेगा जोकर। ओके गाइस अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है। गाइस आप लोगों को भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में गोस्ट राइडर ओपी लिख दो। गाइस आप लोगों के ऐसा करने से हो सकता है हम लोग ना ये सब कुछ जल्दी कर पाए। बस थोड़ी सी ही दूर है वो सामने वाली रैम को क्लियर करना हमें। चलो गाइस सिर्फ एक रह चुका है, इसे भी क्लियर कर लेंगे हम लोग। ओके गाइस अपनी बाइक को घुमाना पड़ेगा दूसरी साइड पर। चलो गाइस ये जगह अच्छी है, ये किया गाइस और पहुंच चुके हम लोग। गाइस मुझे बड़े ध्यान से जाना पड़ेगा। ओके ओके ओ गाइस अपनी बाइक गिरेंगे गिरेंगे, पहुंच गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम लोग बच चुके हैं। गाइस गिरे तो है लेकिन नीचे नहीं गिरे, हम लोग इस चैलेंज के ऊपर ही गिरे हैं। तो गाइस अब हमें आराम आराम से जाना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल में एक रेल की पटरी लगाई गई है तो इसी के ऊपर से जाते हैं आराम आराम से, और आगे सीढ़ियां लगाई गई, इन स्टेयर से भी ऊपर जाना पड़ेगा। आगे ये क्या रखा हुआ है इस जोकर ने? ओके ये तो प्लान है, इन प्लान के ऊपर से होकर हमें जाना पड़ेगा। गाइस बड़े ध्यान से, अगर हम लोग गिरे ना तो गाइस हार गए समझो। लेकिन इतनी आसानी से मैं अभी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ओके 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 ये हम लोग तीसरे वाले पर पहुंचे, यहाँ से अपनी बाइक को भगाना है और फिर चौथे वाले पर, ये किया हमने। ओके पहुंच चुके हम लोग। गाइस अब हम लोग की नाम के बहुत ही ज्यादा करीब है तो जल्दी से जाना पड़ेगा अपनी बाइक लेकर, आराम आराम से जाना पड़ेगा। ओके गाइस ये किए और हम लोग पहुंच चुके हैं। इस पत्नी जोकर ने खुद को क्या समझ के रखा था कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा मुश्किल चैलेंज है। इसे नहीं पता कि हमने कौन कौन से मुश्किल चैलेंज पार किए हैं। तो गाइस हमें मिल चुके हैं पूरे 100 मिलियन डॉलर। ये सारे के सारे पैसे अब मेरे हुए, जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ मैंने। गाइस भी मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा सेफ एंड सिक्योर जगह पर ताकि हम लोग ना गोस्ट राइडर का नेक्स्ट सूट बाय कर सके। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ नीचे और मुझे लगता है यही सेफ एंड सिक्योर जगह है। तो गाइस जल्दी से गोस्ट राइडर का ऑनलाइन स्टोर ओपन करते हैं। ये रहा 100 मिलियन डॉलर का सूट, जल्दी से किया क्लिक एंड बाय। गाइस हमने सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सूट बाय कर लिया है, गोस्ट राइडर का ये मैक्सिमम सूट है गाइस। और इसके अंदर गाइस मैक्सिमम पावर्स भी हैं गोस्ट राइडर की। मुझे भाई जाना पड़ेगा। ये क्या, ये गुंडे मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? अच्छा तो ये जोकर ने भेजे हैं ताकि वो मुझे मार सके, क्योंकि गाइस उसका जो चैलेंज हमने पास कर दिया है, अब इनके गुंडों को सबक सिखाना पड़ेगा। सारे के सारे जलकर राख हो चुके हैं। चलो गाइस एक बात तो अच्छी है कि मुझे पता चला कि इसके अंदर कितनी ज्यादा पावर्स हैं। गाइस इस सूट के अंदर हम लोग ना फ्लाई भी कर सकते हैं बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। बस मुझे एक चीज और चेक करनी है, क्या हम लोग ना और भी बहुत सारी तबाही मचा सकते हैं? क्या हमारे पास इतनी पावर्स है कि हम बहुत सारी गैंग वालों को रोक सकते हैं एक साथ? मुझे नीचे कुछ गैंग वाले नजर आ रहे हैं तो मुझे उस साइड पर जाना पड़ेगा। गाइस इन्हें थोड़ा बहुत मारने के बाद हम लोग दोबारा से घर की तरफ चलेंगे और उसके बाद सेन चैनल चोप और उसके दोस्तों को भी चुकन्ना करेंगे ताकि उन्हें भी पता चले कि हमने गोस्ट राइडर के सारे सूट बाय कर लिए हैं। गाइस इन्हें तो मैंने थोड़ा बहुत पीट दिया है और मुझे तो मजा आ रहा है, ये लोग तो हिलने जुलने के काबिल नहीं रहे। और मेरी बॉडी से क्या ही खतरनाक किस्म के स्पाइक्स निकल रहे हैं, इन स्पाइक्स ने तो इनका काम तमाम कर दिया है। गाइस अब मुझे लगता है ना मुझे जाना चाहिए, ये लोग मेरी तरफ आने नहीं वाले, ये तो डर चुके हैं। गाइस अब मुझे लगता है मुझे जाना पड़ेगा और सिन चैनल चोप भी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। और सबसे पहले तो वो इस गोस्ट राइडर के पहले सूट को ढूंढ रहे होंगे जो उन्होंने $1 का बाय किया था। गाइस उसी सूट की वजह से हम लोग बाकी सूट बाय कर पाए हैं। तो गाइस जब तक मैं सिन चैनल चोप को बताता हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर न्यू थे तो सब्सक्राइब कर देना। और गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।